हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी आने वाले जो पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये सिलेबस फार्मेसी की जो 2024 में एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हो और यदि आपको भी RRB पैरामेडिकल 2024 में सिलेक्शन पक्का करना है तो ये सिलेबस आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, फार्मेकोलॉजी। सबसे पहले तो हम फार्मेकोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल फार्मेकोलॉजी के बारे में, उसमें प्रिंसिपल ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेको डायनेमिक्स इसके बारे में पढ़ना होगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाई करना होगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब हम लोग ड्रग्स अफेक्टिंग द रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी वैसे ड्रग्स जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाई करना है। एक हमारा ब्रोंको डायलेटर्स, एंटी हिस्टामाइंस, एक कीमोथेरेपी के बारे में भी आपको यहाँ देखना होगा। कीमोथेरेपी में जैसे एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इंडोक्राइन फार्मेकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्मोन्स और उससे रिलेटेड ड्रग्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑटोनॉमिक फार्मेकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए फार्मेकोलॉजी के सिलेबस जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको एक बात मैं और भी बता देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है वो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है यानी उससे रिलेटेड जो मार्क्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यदि हम बात करें जो हमारा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है यानी फार्मेसी से यदि आप दे रहे हो तो इससे रिलेटेड मार्क्स कितने आने वाले हैं, 70, यानी 100 में 70 मार्क्स सिर्फ हमारे सब्जेक्ट जो है कंसर्न सब्जेक्ट उससे मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको इसको अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल फार्मेसी, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। फार्मास्यूटिकल्स ज्यूरिसप्रूडेंस एंड एथिक्स, इसके बारे में भी आपको देखने होंगे जो एथिक्स होते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से आप देख के जाओगे एग्जामिनेशन में। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP और GLP यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर अप करना है। इनके प्रिंसिपल्स ऑफ डोजेज फॉर्म फॉर्म डिजाइन, तो इसको भी आपको देखने हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारे हो गए फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री। अब इसके अंदर क्या क्या आपको स्टडी करना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी यदि हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या पूछा जाएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो फार्मास्यूटिकल्स एप्लीकेशन होंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसको आपको यहाँ पे देखने होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ड्रग्स डिजाइन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, इन सबको आपको यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स के एनालिसिस के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्रोमेटोग्राफी, इन सबको आपको जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मेकोगोनेसी। जो फार्मेकोगोनेसी है अब इसको देख लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोजी एंड इट्स रोल इन मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन में जो है फार्माकोजी का जो रोल है उसको यहाँ पे आपको बताने होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, ठीक है, यानी जो नेचुरल ओरिजिन, जो नेचर से हम लोग जो ड्रग्स प्राप्त करते हैं
उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे, ठीक है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग्स, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा नेचुरल ड्रग्स के ऊपर, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, तो इसको भी यहाँ पे आपको कवर अप करना है, हर्बल ड्रग्स का ऑथेंटिकेशन के बारे में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल कंपाउंड, इसको भी आपको यहाँ पे देखने होंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, आइसोलेशन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं नेचुरल कंपाउंड्स का, इन सबको आपको फार्माकोजेनेसी के अंदर कवर अप करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो जरूरी है, सबका जानना आपको, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग, जो क्लिनिकल सेटिंग है उसके अंदर रोल क्या होता है फार्मासिस्ट के, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शंस, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। थेरेप्यूटिक ड्रग्स मॉनिटरिंग, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको इसके वो भी आपको कवर करना है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। पेशेंट काउंसलिंग एंड मेडिकेशन एडेरेंस, ठीक है। तो इन जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को आप यहाँ पे कवर अप करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री हम लोग क्या क्या पढ़ना होगा, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना होगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को, लिपिड के स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को, इसको आपको बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर अप करना है। इंजाइम्स के बारे में, तो इंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको भी आपको बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत देखना होगा। विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में भी आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये आपको जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इन सबको आपको अच्छे से डीपली स्टडी करना है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर ब्लड ग्लूकोज, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, इन सबको आपको देखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसको आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ना है इन टॉपिक को। अब उसके बाद हमारा है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आपको स्टडी करना है। इम्यूनोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से भी काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं। एंटीबायोटिक्स और रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हमारा है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, इसको कवर अप करना है आपको। इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये आपको देखने होंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपको इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे साइंस के और टेक्नोलॉजी के, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है, ये आपको 6 to 10 के बुक में, जो साइंस की बुक है उसमें ये पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। इंडियन रेलवेज, हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। अब यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसको भी आप देख के जाओगे। नेक्स्ट हमारा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो एनालॉजी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पैटियल विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल ओरिएंटेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, ये सब जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आखिरी है इसमें जनरल साइंस आता है, तो जनरल साइंस में हमारा क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, केमिस्ट्री में भी बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं,
बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक इकोलॉजी, इसको आपको कवर अप करने हैं। तो जनरल साइंस के लिए तो आप 6 to 10 की जो साइंस की बुक है वो बहुत एनफ है, ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं कुछ नहीं आता। तो आई होप कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल गया। आप इसको अब सिलेबस वाइज आप प्रिपरेशन करें जिससे आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो पूरी तरह से पक्का हो जाए, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और आप इस सिलेबस के हेल्प से RRB जो 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं फार्मेसी के लिए उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।